नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं काफ़ी बार सोफ़ा कवर की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती आई हूँ, और आज मैं जो शेयर कर रही हूँ वो है बेडशीट से हम सोफ़ा कवर कैसे बना सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारी जो बेडशीट होती है वो साइड वगैरह से फट जाती है, तो उसको हम बेड पर तो बिछा ही नहीं सकते क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं एज ए सोफ़ा कवर। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे हम इसको बनाएंगे। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं यहाँ पर 5 सीटर सोफ़ा का कवर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन अगर आप सिंगल एक डबल बेड की बेडशीट से बनाएंगे तो आप उसे सिर्फ 3 सीटर सोफ़े का कवर बना सकते हैं। अगर आपके पास सेम कलर की 2 बेडशीट हैं, यानी एक आपके पास डबल बेड की बेडशीट है और एक सेम वैसी आपके पास सिंगल बेड की बेडशीट हो, तो आप 5 सीटर सोफ़े का कवर ईज़िली बना पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, डबल बेड की बेडशीट को ले लिया है और इसका जो बॉर्डर वाला पार्ट है, जो बेडशीट का जो बॉर्डर होता है, दोनों साइड जो बॉर्डर है, मैं उस बॉर्डर को कट कर अलग से कर लूँगी। दोनों बेडशीट का मैं जो बॉर्डर है वो मैं कट कर अलग कर लूँगी, और जो सेंटर वाला पार्ट है वो मैं अलग कर दूँगी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैं बॉर्डर का यूज़ कैसे करने वाली हूँ और सेंटर वाली बेडशीट का यूज़ कैसे करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कट कर लिया है। अभी फ़िलहाल मैं जो कर रही हूँ वो मैंने डबल बेड की बेडशीट का यूज़ यहाँ पर किया है, तो ये मैंने पार्ट्स कट कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कोई मेज़रमेंट नहीं ले रही हूँ, मैंने कोई भी नाप नहीं लिया है, कोई भी पुराने सोफ़े का कवर एज ए मेज़रमेंट यूज़ नहीं किया है। मैं डायरेक्ट मैंने जो बेडशीट का पार्ट कट किया है वो मैं सोफ़े के ऊपर रखूँगी। जितना फैब्रिक मुझे चाहिएगा उतना मैं एक बार देख लूँगी, अगर फैब्रिक कंप्लीट है तो मैं कहीं से कोई कट नहीं लगाऊंगी, अगर थोड़ा बड़ा होगा तो फिर मैं उसको कट कर निकाल दूँगी। तो यहाँ पर चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें कितने फैब्रिक की यहाँ पर ज़रूरत है। तो जो ये सेंटर वाला पार्ट जो मैंने कट किया था बेडशीट का, तो वो मैंने रखा है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा ये पूरा सोफ़े के ऊपर अच्छे से सेट हो गया है। अगर आपकी बेडशीट या आपका सोफ़ा छोटा हो और बेडशीट बड़ी आ रही हो तो आप उसको कट कर निकाल दें। तो अब यहाँ पर जो ये पार्ट हमने बॉर्डर का कट किया था उसको हम यूज़ करेंगे एज अ फ्रिल। तो उसको हम एज अ फ्रिल यहाँ पर यूज़ करेंगे। फ्रिल आप 2 तरह से बना सकते हो। सबसे पहले आप सीधा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर फ्रिल को रखें और आप छोटी छोटी चुन्नटें यहाँ पर डाल दें। आप पर डिपेंड करता है कि आप सीधा मशीन से फ्रिल डालेंगे या फिर आप हैंड स्टिच भी फ्रिल कर सकते हो। फ्रिल कैसे बनती है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। फ्रेंड, इसके बाद आपको अगर वो मेथड से आप नहीं करना चाह रहे तो आप ऐसे बना सकते हो। आपको मेन फैब्रिक के ऊपर फ्रिल वाला फैब्रिक उल्टा रखना है, मीन सीधे पार्ट दोनों आमने सामने हो, और फिर हमें छोटी छोटी फ्रिल डाल देनी है। और जब फ्रिल हम डाल देंगे तो इस कपड़े को जब हम सीधा नीचे की तरफ लटकाएंगे तो हमारी फ्रिल रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हो। तो दोनों में से आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, मैं सेकंड वाला मेथड यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। मैंने सोफ़े का जो कवर है वो रखा है, मींस जो बेडशीट का बना रहे हैं वो रखा है, और उसके ऊपर जो बॉर्डर वाला पार्ट है मींस जिससे हम फ्रिल बना रहे हैं वो उसके ऊपर मैंने रखी है, और छोटी छोटी चुन्नटें मैं यहाँ पर डालते हुए चली जाऊँगी। ये पूरी चुन्नटें मैं पूरे जो बेडशीट का जो सीट का पूरा पार्ट है वहाँ पर लगा दूँगी। तो आप देख सकते हो, ये मैंने सोफ़े के कवर के साथ जो फ्रिल वाला पार्ट है वो मैंने जॉइन कर दिया, मीन्स मैंने इसको स्टिच कर दिया है। तो यहाँ पर जो अगर आप 3 सीटर सोफ़े का कवर बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस हो जाता है ख़त्म। इसके साथ आप जो चाहे कुशन कवर जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन अगर क्योंकि एक बेडशीट से हमारा 3 सीटर सोफ़े का कवर ही बनेगा, अगर आपके पास एक सिंगल बेडशीट है तो उससे आप जो आपका अगर 5 सीटर सोफ़ा है तो आप बाकी के जो 2 सोफ़े हैं उसका कवर सिंगल की बेडशीट जो है उससे आप
कट कर सकते हैं। मेरे पास ये दो बेडशीट रखी हुई थी सेम, क्योंकि पहले मेरे पास सिंगल बेड भी हुआ करता था, तो मैंने सिंगल और डबल बेड के दोनों के साथ ये बेडशीटें खरीदी थी। तो अब ये ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका यूज़ कर लूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सेम प्रोसेस रिपीट किया, जो फैब्रिक को मैंने रख कर देख लिया है। एक बात और कि मैंने यहाँ पर ये चेक किया है कि मैंने पहले बेडशीट रखी है, उसके बाद मैंने मेज़रमेंट भी लेकर देख लिया था कि मुझे कितना फैब्रिक यहाँ पर चाहिएगा। तो यहाँ पर मुझे जितना फैब्रिक चाहिए था उस हिसाब से मैंने मेज़रमेंट भी ले लिया है, और इसके अलावा मैंने सीधा डायरेक्ट फैब्रिक रख कर भी देख लिया है। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर फ्रिल का सेम मेथड रिपीट किया है, मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने फ्रिल को उल्टा करके रखा है और जॉइंट कर दूँगी यहाँ पर छोटी छोटी फ्रिल डालकर, और बाद में नीचे की तरफ लटकाने से ये बिल्कुल फ्रिल बन जाएगी। तो ये मैंने जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो साइड वाले जो पार्ट्स हैं इनको हमें फोल्ड कर देने हैं ताकि यहाँ से धागे वगैरह ना निकले। आप यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हो, वो भी बहुत सुंदर लगती है। बट यहाँ पर मैं सीधा इसको डायरेक्ट यहाँ पर सारे साइडों को, जितने भी सोफे के पार्ट्स के साइड्स हैं, सबको मैं फोल्ड कर दूँगी अंदर की तरफ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारे पार्ट्स को फोल्ड कर दिया। तो लीजिए हमारा जो ये सोफ़े का 5-सीटर सोफ़े का कवर है वो बनकर रेडी है। दोस्तों जैसे कि 5-सीटर मेरे पास दो बेडशीट रखी हुई थी, एक डबल बेडशीट थी और एक मेरे पास सिंगल बेडशीट थी, तो उससे मेरा जो ये पूरा 5-सीटर सोफ़ा है इसका पूरा कवर बनकर रेडी हो गया है। बट अगर आपके पास कोई एक सिंगल बेडशीट है तो भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें मिक्स मैच करती हुई अगर आपके पास कोई अदर बेडशीट है तो आप उस तरीके की भी पूरे 5-सीटर सोफ़े का कवर ईजिली बना सकते हो। ज़रूरी नहीं आपके पास सेम ही बेडशीट हो, मेरे पास थी तो मैंने यूज़ कर ली है। अदरवाइज़ आपके पास अगर कोई भी उससे मैच करती हो, कोई प्लेन कपड़ा हो, जैसे कि रेड कलर की बेडशीट है उसमें वाइट कलर का प्रिंट है, तो आप वाइट कलर का कपड़ा भी उसमें यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।